दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ अभी करोल बाग के साइड में। नहीं, आज मिश्रा जी का अपने बिजनेस का एक सेटअप है तो जो आज वो इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो आई एम इन्वाइटेड देयर, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर वहाँ जा ही रहा हूँ तो लगे हाथ करोल बाग में ही चले जाते हैं, कुछ बाइक का सामान अगर मिल जाए तो। तीन तीन बच्चों को लेके बाइक में बीवी को बैठा के स्प्लेंडर में जा रहा है, हिम्मत है मानना पड़ेगा। सबसे छोटे वाले तो मेरे ख्याल से कुछ 6-7 महीने का ही होगा। संडे में करोल बाग का ये बाइक मार्केट, भाई साहब क्या रश है। तो भाई लोग अगर कोई देख रहे हो तो संडे अवॉइड करना, मुझे सभी अपना काम निपटाने के लिए संडे को आते हैं। और ये रहा संडे का मार्केट करोल बाग। मैं आज आ गया था, गलती से आ गया था, कुछ काम से आया था यहाँ पे, तो सोचा कि यहाँ से ये काम भी निपटा लेते हैं। लेकिन भाई साहब जो मैं फंसा मुझे ही पता है, कोई काम नहीं कर पाया। अब लौट के बुद्धू घर को आए टाइप का मैं वापस जा रहा हूँ। अंकल को हीरो होंडा स्प्लेंडर में पूरा एकदम तामझाम लगा के रखें, पीछे स्टार्ट का टॉप बॉक्स, पैनियर्स के लिए स्टैंड, सैडल स्टैंड, सामने क्लच गार्ड वगैरह है, हैंड गार्ड जिसको बोलते हैं, सही है यार। सी शौक बड़ी चीज़ है भाई, आई एम इंस्पायर्ड। इंडिकेटर भी चल रहा है इसमें टॉप बॉक्स में, ओह वाइजर भी है, सही है यार, फुल फील है एडवेंचर का, एडवेंचर बाइक्स का। मौका मिलने पर बात करेंगे एक बार। कोई रेड लाइट ही नहीं आया यार, याद हो गया। बट काफी बल्की लग रहा है बाइक देखने में, अच्छा लग रहा है। हीरो होंडा का स्प्लेंडर है, कोई बोल नहीं पाएगा इसको देख के। लव यू अंकल, लव यू ब्रो। भैया आपका बाइक को मैं काफी देर से फॉलो कर रहा था, ये पूरा एकदम लद्दाख सेटअप कर लिया आपने, इसमें गए जाना है? जाना भी है, मैं पीछे सोच रहा हूँ कि ये कौन सी बाइक है, मैं थोड़ा सा आगे आगे देखना चाह रहा था कि कौन सी बाइक है, बट बहुत मस्त लग रहा है पीछे से देखने एकदम बल्क। हाँ चलिए चलिए चलते हैं वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मैं YouTube में डाल सकता हूँ, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है डन, ठीक है, नहीं अगर नहीं बोलोगे तो मैं नहीं डालूंगा। बहुत तगड़ा है। अंकल इज काइंड एनफ टू गिव मी सम टाइम, बोले कि आगे रुकते हैं और तुमको पूरा दिखाते हैं। ये भैया का एक सुंदर सा स्प्लेंडर, और इसको देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि ये स्प्लेंडर है। बहुत तगड़ा वाला सेटअप कराया है इन्होंने, पीछे टॉप बॉक्स और ये सैडल स्टैंड, यहाँ पे पेट्रोल कैरी करने के लिए भी जगह है। और सामने से देखिए ये लुक, इंडिकेटर्स एंड उसमें गार्ड में वाइजर, सामने से क्या खतरनाक लुक लग रहा है, ब्यूटीफुल। फॉग लैंप भी है और पीछे का डग्गी में भी वो है भैया लाइट लगा। हाँ वो भी मैंने देखा है, पीछे का टेल बैग जो है इसमें भी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। भैया ने मेरे को ये बोले हैं कि उनका फेस नहीं दिखाना है, तो इसलिए मैं उनका वो रेस्पेक्ट करूँगा और उनका फेस नहीं दिखाऊँगा, बट मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा ज़रूर और वो जवाब देंगे कैमरा के पीछे से। भैया आपने इतना अच्छा जो सेटअप किया है, तो इसको लेके कहीं पर जाने का मन है आपको? मैंने कहीं जगह गया है भैया। अच्छा, जैसा पंजाब, अच्छा अच्छा हरियाणा, अमृतसर, हाँ हाँ ये सब जगह घूम के आया हूँ, नैनीताल और मसूरी। ये स्प्लेंडर लेके? ये स्प्लेंडर लेके। ओहो भैया ने नैनीताल मसूरी से लेके पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह, मतलब बहुत जगह राइड कर चुके हैं। और इन्होंने भी थोड़ी देर पहले रेड लाइट में मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने बोला था कि इनका लद्दाख जाने का भी मन है, इनका लद्दाख जाने का इच्छा है।
एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई कुड मीट दिस भैया। मैं इनसे बाद में अलग से बात करूंगा, कैमरा में इसको नहीं लेने वाला हूं, मैं कैप्चर नहीं करूंगा, बट आई एम ब्लेस्ड टू सी द टाइप ऑफ मोटिवेशन। एक मोटिवेशन मुझे मिला था लद्दाख में, जहां पे मैं अनिमेश माझी से मिला था, जो कि साइकिलिंग से ऑल इंडिया कर रहा था। दूसरा मोटिवेशन ये भैया है, स्प्लेंडर से लद्दाख जाने का सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सोच नहीं रहे, उन्होंने अपना प्रिपरेशन भी कर लिया बाइक के साथ, यही बहुत बड़ी बात है। और इसमें सीखने वाली बात, एक गाड़ी का सेफ्टी के लिए सामान है, जैसा पंचर अगर होगा पंचर का सामान है, हवा का मशीन है इसमें, एक्स्ट्रा फ्यूल का 2 कैन है मेरा पास, सब चीजें ए टू जेड। तो जैसे आप लोगों ने सुना है कि भैया ऑब्वियसली जो मैंने दिखा भी रहा है, फ्यूल टैंक, फ्यूल रखने के लिए, एक्स्ट्रा फ्यूल रखने के लिए पीछे जगह है, एंड पंचर किट एंड टूल किट वगैरह भी ये कैरी करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो टेल बैग में कैरी कर रहे होंगे। ऑनर टू सी दिस गाइड, हैट्स ऑफ।